अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। और आज व्लॉग आ चुका है ऑलरेडी, दो दिन का व्लॉग एक साथ मैंने डाला है, सो प्लीज़ जाके देखिए जिसने नहीं देखा है। और मैंने दो तीन दिन से रेसिपी नहीं शूट कर रही थी क्योंकि मैं कभी बहन के जा रही थी, कभी मार्केट जा रही थी। आज भी इनफैक्ट मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, मैं अबाया लेने जा रही हूँ इनके। मैं हमेशा मॉडेस्टी से अबाया लेती हूँ, लेकिन उनकी एक फ्रेंड है, उनकी एक अबाया की शॉप है, वो हमेशा बोलते हैं जब भी ये जाते हैं कि प्लीज़ भाभी को लेकर आइए। तो चलिए आज उनके ही शॉप में जाते हैं और देखते कैसे अबाया है। अगर मुझे पसंद आता तो मैं अपने लिए ले लूँगी अबाया। और हाँ, और एक बात, आज रेसिपी मैंने शूट करूँगी मैं, और चिकन सैंडविच की रेसिपी है जो कि मतलब आप लोग टिफ़िन बॉक्स रेडी कर सकते हैं बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, या एज अ आप लोग सुबह शाम में हम लोग एक स्नैक्स लेते हैं चाय के साथ में, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने ऑलरेडी हाफ के जी चिकन बॉईल करके श्रेड करके मैंने रख दिया है। सो जब तक मैं वापस आऊँगी तब मैं वो रेसिपी शूट करूँगी। और तो प्लस व्लॉग में बने रहिए और देखिए आज का दिन मेरा कैसे गुजरता है। सो बस नमाज पढ़ ली हम लोग ने मगरिब की, और मगरिब की नमाज पढ़ के हम निकल गए थे। और इतनी बारिश लगी हुई थी, सारा दिन बारिश हो रही थी, सो कार में जाना एकदम पॉसिबल नहीं था, कितना ट्रैफिक मिलता, इसलिए हम लोग ने बाइक ले ली कि ताकि जल्दी चले जाएं बाइक में और जल्दी वापस आ जाए। क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे, और इनफैक्ट आज मेरे कल मेरे बच्चों का लास्ट पेपर है, सो मैं चाह रही थी मैं जल्दी जल्दी कर आ जाऊँ। बस पहुंच गए थे हम लोग शॉप पे और मैंने सारे अबायास। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे वैसे में भी दिखाई माशाल्लाह, यहाँ पर भी अबायास बहुत अच्छे थे। मैं यहाँ पर इनफैक्ट पहली बार आई हूँ। मैंने जैसे कि पहले बताया कि मैं हमेशा मॉडेस्टी से अबाया लेती हूँ, लेकिन नो डाउट यहाँ पर भी बहुत अच्छे अबायास थे। लेकिन मुझे ना ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ मैं अबाया बहुत सिंपल, क्योंकि वो कलर्स क्या क्या है, झिगमिक झिगमिक अबाया एकदम पसंद नहीं है। जितना अबाया आपका सिंपल रहेगा उतना ही आपका एलिगेंट लगेगा अबाया। सो इसलिए मैं मुझे वो दिखा रहे थे लेकिन मुझे तब भी नहीं अच्छा लग रहा था, और तो बस इसी तरीके से। और मैंने सोच के गई थी इस बार कि मैं अपनी मम्मी के लिए भी और अपनी सास के लिए भी दोनों के लिए मैं एक अबाया लूँगी, वो लोग भी पहनती हैं। और सो बस चलिए देखिए मैंने कौन कौन से अबाया लिए हैं। कौन सा वाला? ये वाला। माशाल्लाह से एक मटेरियल्स बहुत अच्छे थे यहाँ पर अबायास की, बहुत लाइट वेटेड थे, एकदम आप कंफर्टेबली पहन सकते हैं। गर्मी में भी बहुत अबायास क्या होते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं, मटेरियल उसका इतना हैवी हो जाता है कि गर्मी में एकदम भारी लगता है। लेकिन सच में यहाँ पर अबायास के मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो बस मैंने यहाँ से चार अबाया लिए, दो अपने लिए लिए और एक मैंने मम्मी के लिए, एक मैंने मदर इन लॉ के लिए। मैंने ले लीजिए, यहाँ से हम निकल गए और मैंने सरप्राइज़ दिया जाके सना को,
छोटी वाली, सबसे छोटी वाली सिस्टर, हम लोग पांच बहन है माशाल्लाह से, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो पांचवी नंबर पर जो सिस्टर है सना, उसकी यहीं पर सामने वाला गली में इसका घर आता है, और मैं उसको सरप्राइज़ देने चले गई थी, उसको यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा दरवाजे पे कोई है, तुम देखो जाके, और जब उसने डोर ओपन किया तो मैं थी। और ये देखिए माशाल्लाह से इब्राहिम, उसका छोटा वाला बेटा, मेरे ब्लॉग्स में आप देखते होंगे इनको। ये जो बुरखा मैं दिखा रही हूँ, इसका मैंने फुल क्लोजर आप लोग देखिएगा वीडियो पे, मैंने दिखाया है कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए लिया है, और वो उनको अच्छा लगेगा, होप सो। उनको तो मालूम नहीं कि मैं उनके लिए लाने जा रही हूँ, क्योंकि उनके लिए रियली एक सरप्राइज़ होगा। सो और ये वाला जो है, दूसरा वाला जो है, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है, और मम्मी को बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सोबर अबाया बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए ये वाला ले लिया। और ख़ास कर दोनों के लिए मैंने ऐसे लिए हैं कि सामने से चेन सिस्टम हो तो ओपन कर सकते, कभी भी इंसान शादी वगैरह में जाए तो ईज़िली ओपन कर सकते हैं वो लोग। और ये दो मैंने अपने लिए अबाया लिए हैं, वीडियो गौर से देखिएगा तो ये मोव कलर का मैंने एक लिया है और एक ब्लैक कलर का लिया है। दोनों अबाया बहुत ही खूबसूरत है, जब मैं पहनूंगी तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ सना ने इतना सारा नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था, देखिए हम दो गए थे और माशाल्लाह से इतना सारा पिज़्ज़ा भी ऑर्डर दे दिया, ताकि हम जब घर जाए तो लेके जाए बच्चों के लिए। सो बस अभी जस्ट आ गए हैं और बुरखा अबाया मैंने दे दिया है सियारी, क्योंकि सब मेरे सामने बैठे हुए और मैं शूट कर रही हूँ। लेकिन बुरखा मेरी सास को बहुत पसंद आया, लेकिन थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो मैं चेंज करा के एक साइज बड़ा लूंगी। और चलिए, मालिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने कोई शूट वहाँ के बाद, उसके बाद मैंने अपनी सना के घर के बाद मैंने कोई शूट नहीं करा, तो मैं घर आ गई, भीग गई थी। अब चलिए रेसिपी शूट करते हैं। आप समझ सकते होंगे जब सामने सब अपने बैठे रहते हैं तो इंसान बात करते हुए कितना फंबल करता है। आइए चलिए बच्चों का एक टिफिन बॉक्स मतलब रेडी करते हैं, जिसमें हम सैंडविच, हेल्दी सैंडविच बच्चों के लिए प्रिपेयर करते हैं। यहाँ मैंने आधी गाजर ले ली थी जिसको ग्रेट कर लिया था, एक छोटी सी प्याज मैंने चॉप कर ली थी, मैंने आधी से कम मैंने शिमला मिर्च ली थी चॉप कर ली थी, दो हरी मिर्चें बारीक काट ली, मैंने आधा किलो चिकन को बॉईल कर लिया था, श्रेड कर लिया था, इसमें क्रीम चीज सब जाएगा। तो आइए देखिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं इसकी। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी और मैंने 1 टीस्पून इसमें ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद मैंने सारी वेजीज इसमें डाल दिए मैंने, और सारी वेजीज को मैं इसको सॉटे कर लूँगी 5 मिनट के लिए। फिर इसमें मैं सॉटे करने के बाद मैंने जो चिकन है वो पूरा मैं इसमें डाल दूँगी, सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद में आइए मिलाते हैं इसमें स्पाइसेस। इसमें मैंने लगभग 2 टीस्पून मैंने ओरिगैनो डाला है, मेरे पास ये पाउचेस बने रहते हैं ऑलरेडी। और फिर मैंने इसमें 2 टीस्पून मैंने कुटी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं, रेड चिली फ्लेक्स बोलते हैं इसको, ये भी आप डाल दीजिएगा इसमें। मैंने इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाला है ये वाला, मुझे अंदाजन है, मैं परफेक्टली आप जैसे मैं मेजरमेंट बता रही हूँ आप वैसे ही डालिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक दिया था, लेकिन मैंने फिर बाद में टेस्ट किया कम था, तो फिर मैंने नमक और ऐड करा है। तो आप भी आप लोग स्वाद अनुसार डालिएगा। यहाँ 1 टीस्पून मैंने मैदा डाला है, मैदा डालने के बाद उसको अच्छे से भून लीजिएगा और ब्राउन मत करिएगा, बस हल्का सा उसको सॉटे करने के बाद में मैंने पूरा 1 कप इसमें दूध डाला है। दूध डाल के देखिएगा, जब हम लोग व्हाइट सॉस बनाते हैं ना पास्ता के लिए, तो ये बेसिकली हम लोग व्हाइट सॉस की तरह कर रहे हैं, मैदा दूध। इसमें अब हम डालेंगे, मैंने 2 स्लाइस डाले चीज़ के, ये वाले स्लाइसेस डाले चीज़ के, मैंने इसमें बटर ऐड करा है, और सबको अच्छे से मिला लीजिए। फिर इसमें मैंने अमूल की जो क्रीम होती है मैंने वो भी डाली है इसमें, अराउंड 3-4 टीस्पून डाली है मैंने।
और हाँ, जो जो व्लॉग्स देख रहे हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए, बस इन सबको अच्छे से डाल के आप इनको अच्छे से मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, आप टेस्ट कर लीजिए। आपको कोई भी स्पाइसेस इसमें कम लग रहा है, रेड चिली फ्लेक्स कम लग रहा है, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एकदम इसकी ग्रेवी देखिए एकदम थिक हो गई है और माशाल्लाह से बहुत ही, यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था ये और बच्चों को तो बेहद पसंद आएगा। एकदम नॉम नॉम करके एकदम खा जाएंगे ये लोग। सो प्लीज़ चलिए आइए सैंडविच की रेडी करते हैं हम लोग। इसको सैंडविच के लिए मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड यूज़ करा है। आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सिर्फ एज इट इज़ जैसे मैंने चिकन का जो ये है मिक्सचर है आप डाल के चीज़ का लेयर डाल के उसको ऐसे भी आप लोग खा सकते हो, हल्का सा ग्रग ओवन में माइक्रोवेव करके, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह में हम लोग खाते हैं यूजली। लेकिन मैंने इसको क्रिस्प, हल्का सा क्रिस्प देने के लिए, मैंने, मेरे बच्चों को पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे नहीं मालूम आपको पसंद है कि नहीं, मैंने हल्का सा बटर दे के तवे पे उसको मैंने स्लो फ्लेम पे क्रिस्प करने के लिए रख दिया था, बस 2-3 सेकंड्स के लिए। देखे और माशाल्लाह से इतना क्रिस्पी हुआ था, इतनी यम था, इतनी मज़े का था। जब यकीन मानिए, अगर आप ऐसे ही बनाइएगा, मेरे घर में जिन जिसने भी खाया है उन लोगों को वही फ्लेवर वही टेस्ट आया है याद, जो एयरपोर्ट्स में हम लोग फिलिंग वाला जो सैंडविच खाते हैं ना चिकन का, पूरा सेम टेस्ट था। सो आप भी बनाइए, आप भी खाइए, बच्चों को टिफिन लंच बॉक्स में दीजिए। अल्लाह हाफिज़।